गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज राम कड़े एंड वंस अगेन यू आर ऑन निंजा ट्रेडिंग। सो फ्रेंड्स, अभी तक के काफी ज्यादा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है आप सभी लोगों की तरफ से, और जैसे कि मैं आप लोगों को इस क्लास से पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सिंपली कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं है, दोज आर प्रोफेशनल लेवल स्टॉक मार्केट क्लासेस, और ये एक सीरीज में हम लोगों ने शुरू किया था। सो जिस किसी पर्सन को स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता होगा, अगर वो पर्सन भी इस सीरीज के एपिसोड 1 से गो थ्रू करे तो वो भी अपना स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल लेवल का करियर को डेवलप कर सकता है। सो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या फिर गलती से इस वीडियो पे आप विजिट कर रहे हो या फिर आप लोगों को किसी भी रीजन से अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप लोगों को एपिसोड 1 दैट इज क्लास नंबर 1 से सारी क्लासेस के साथ में आप लोगों को एक बार गो थ्रू करना चाहिए। इससे आपके दो फायदे होंगे। अगर मान के चलो कि आपके कुछ स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात में, अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो क्लास नंबर 1 से अटेंड करने के बाद में आप लोगों के पास में एक प्रोफेशनल लेवल नॉलेज जरूर आ सकता है इस पूरे सीरीज को अटेंड करने के बाद में। सो मेरी रिक्वेस्ट इस पूरे सीरीज को क्लास नंबर 1 से पूरा अटेंड कीजिए, तभी हमारे ट्रेडिंग करियर में हम लोगों को मजा आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज हम लोग अपने इस मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग वर्सेस प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। सो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में भी हम लोग एक स्पेशल इंडिकेटर को आज पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज गोल्डन क्रॉसओवर ईएमए स्ट्रेटजी। वेल, ये मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बिगिनर्स को बहुत ज्यादा ये पसंद आती है। तो देखो, आज की क्लास में आप लोगों के दो फायदे। फायदा नंबर एक, गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे काम करती है, आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा। और आप बहुत ज्यादा बिगिनर हो, आप लोग भी प्राइस एक्शन में ज्यादा दिमाग नहीं डालना चाहते, आपके पास में टाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आज की इस क्लास को अटेंड करके आपको गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आपको मार्केट में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ये चीजें तो आप लोगों को पता चल ही जाएगी। फायदा नंबर दो क्या है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एकदम प्रोफेशनल प्रो लेवल पे अपने आप को लेके जाना चाहते हो तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग को हम कंपेयर करने वाले प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के साथ में, और हम लोग ये देखेंगे कि दोनों ट्रेडिंग स्टाइल में कौन सी ज्यादा एक्यूरेट, किसकी ज्यादा इफिशियंसी है। अगर आप लोगों को ये बात पता चल गई सो कांग्रेचुलेशन, आपके जीवन के ये 2 साल बच सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 2 साल बच सकते हैं, वेल देखो, मैं सिखाऊं आप लोगों को, ना सीखो, आप मेरी इस क्लास को अटेंड और ना करो, आज नहीं तो कल अगर आप ट्रेडिंग करियर में हो तो आप खुद से तो सीखने ही वाले हो, खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे, लेकिन हो सकता है कि खुद के एक्सपीरियंस से सीखने में आप लोगों को लगभग 2 साल का समय लग जाए, और अगर आज की इस क्लास को अटेंड कर लिया तो आपके वो कीमती 2 साल बच सकते हैं, जो 2 साल खुद एक्सपीरियंस लेके आप सीखने वाले थे वो आज के आज ही मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आज सिखाने वाला हूं, जिसके कारण आपके लाइफ के वो 2 इंपॉर्टेंट साल बच सकते हैं। आप उन सभी ट्रेडर से 2 साल आगे रहोगे जो लोग खुद के एक्सपीरियंस से सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास, दैट इज ईएमए गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी वर्सेस प्राइस एक्शन। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज ईएमए गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। इस ईएमए गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी में कौन कौन से ईएमए यूज किया जाता है और कौन कौन सी वो कंडीशन रहेगी जहां पे हम लोग बाय सिग्नल को कंसिडर करेंगे और जहां पे हम लोग सेल सिग्नल को कंसिडर करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट ईएमए को लिख देता हूं जिन ईएमए को हम लोग यूज करने वाले अपने गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी में। सो गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी में हम लोग मेनली 3 ईएमए का यूज करेंगे, दैट इज ईएमए नंबर 4, ईएमए 9 एंड ईएमए 18। इन 3 ईएमए का यूज करना है, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, अभी सबसे पहले हम लोग थ्योरी समझते हैं। सो क्या कहती है स्ट्रेटेजी, वेल स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे 9 ईएमए को नीचे से अपर साइड में कट करता है सो इस क्रॉसओवर को हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। नाउ इस क्रॉसओवर के साथ साथ हमारा जो फिल्टर सिग्नल होगा दैट इज 18 ईएमए, ये क्रॉसओवर होता है 18 ईएमए के ऊपर साइड में, और इस कंडीशन में भी अगर इस क्रॉसओवर के पास में ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हो रहा है वेल तभी हम लोग बाय सिग्नल को कंसिडर करेंगे। तो ये हो गई कंडीशन नंबर 1। नाउ कंडीशन नंबर 2 क्या है बाय साइड के लिए, किसी रीजन से मान के चलते कि क्रॉसओवर पहले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये गया हुआ है कुछ इस तरीके से, गया है हमारा 18 ईएमए और 9 ईएमए को 4 ईएमए कुछ यहां पे क्रॉसओवर कर देता है,
और इस क्रॉसओवर होने के बाद में, लेकिन हमारा जो फिल्टर सिग्नल है वो फिल्टर सिग्नल अगर ऊपर साइड में है तो उस कंडीशन में हम लोग बाय साइड के सिग्नल को कंसिडर नहीं करेंगे. वेल फिल्टर सिग्नल हमारा इसके नीचे होना चाहिए. अगर फिल्टर सिग्नल नीचे होता तो ही हम लोग बाय साइड के सिग्नल को कंसिडर करते. लेकिन होता क्या है, होता क्या है, अभी तो फिलहाल फिल्टर सिग्नल ऊपर है लेकिन कुछ समय के बाद में ये फिल्टर सिग्नल ऐसा चला जाता है और हमारा जो 9 EMA है वो कुछ इस तरीके से जाता है और जो हमारा EMA 4 है जो कि सबसे छोटा EMA है वो कुछ इस तरीके से चलने लगता है. सो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये किसी एक तिरंगा की तरह फॉर्मेशन चल रहा है. सो इस तिरंगे के आसपास, मतलब तीन कलर के रंग है इसलिए मैं इसे तिरंगा बोल रहा हूं. सो अगर ऐसे टाइप की फॉर्मेशन में आता है, मतलब सबसे छोटा वाला EMA सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर उसके बाद में तो उससे थोड़ा छोटा EMA होना चाहिए और सबसे नीचे सबसे बड़ा वाला EMA होना चाहिए. मतलब इसका केस में क्या होगा, EMA 4 सबसे ऊपर, EMA 9 उसके बाद में, EMA 18 उसके नीचे में. तो इस फॉर्मेशन में भी अगर आपको बॉटम साइड पे कोई कैंडल फॉर्म होती हुई मिलती है, सो भले क्रॉसओवर पहले हो गया था लेकिन ये क्योंकि अभी फॉर्मेशन बनता हुआ जा रहा है तिरंगे पैटर्न, तिरंगा पैटर्न में, सो यहां पे भी अगर आपको ग्रीन कलर की कोई कैंडल फॉर्म होती हुई मिलती है, सो अगेन आप यहां से भी बाय सिग्नल को कंसिडर कर सकते हो. वेल ये तो कंडीशंस थी हमारे बाय साइड के सिग्नल्स के लिए. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल साइड के लिए क्या होगी. आई होप आप लोगों को अभी तक के यहां तक के समझ में आ गई होगी चीजें. अब सेल साइड के लिए क्या जरूरी है, हमारा EMA 9 जो कि हम लोग येलो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, EMA 9 को अगर EMA 4 ऊपर से नीचे के साइड में कट डाउन करता है सो ये हमारा शॉर्ट सेलिंग का गोल्डन क्रॉस होता है और हमारा जो फिल्टर सिग्नल है शॉर्ट सेलिंग के टाइम पे इस क्रॉसओवर के ऊपर से जाना चाहिए. सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे इस क्रॉसओवर के पास में अगर कोई रेड कलर का कैंडल फॉर्म होता है, सेल साइड के ट्रेड को कंसीडर करेंगे. अगर इस फॉर्मेशन के आसपास अगर कोई ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म होता है, अगर यहाँ पे कोई सिंपली एक ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म होता है, सो इस कंडीशन में हम लोग सेल कंसीडर नहीं करेंगे. सो ये जरूरी है कि यहाँ पे रेड कलर का कैंडल ही फॉर्म होना चाहिए तभी हम लोग सेल कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे. अब ये तो हो गया कंडीशन हमारी एक. दूसरा क्या कंडीशन हो सकती है, लेट से ये हमारा एक 9 EMA गया है और EMA 4 ने यहां पे कुछ इसे क्रॉसओवर कर दिया, लेकिन हो क्या रहा है, हमारा जो फिल्टर सिग्नल है जो EMA 18 है वो कुछ अभी फिलहाल क्रॉसओवर के टाइम पे, देखो यहां पे तो क्रॉसओवर हो गया लेकिन अभी क्या फिल्टर सिग्नल ने हम लोगों को सेल करने के लिए नहीं बोला, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद में फिल्टर सिग्नल कुछ इस तरीके से जाता है और यहां पे क्या होने लग रहा है, हमारा EMA 4 कुछ इस तरीके से गया है और हमारा EMA 9 कुछ इस तरीके से गया है. सो अगर आप इस ध्यान से इस फॉर्मेशन को देखोगे, सो अगेन यहां इस वाले फॉर्मेशन पे एक तिरंगा पैटर्न बना है जहां पे हमारा EMA 4 सबसे नीचे है, उसके बाद में EMA 9 और उसके बाद में EMA 18. और इस फॉर्मेशन के बनने के बाद में अगर आप लोगों को यहाँ पे सिंपली कोई रेड कलर का कैंडल ऐसे फॉर्म होता हुआ मिलता है, सो इस रेड कलर के कैंडल पे भी, इस रेड कलर की कैंडल पे भी आप अपने शॉर्ट साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हो. सो गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है जो मैंने आप लोगों को बता दिए. इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे हम लोग या तो बाय कंसिडर करेंगे या तो फिर सेल कंसिडर करेंगे. तो चलिए मैं अभी आप लोगों को लेके चलता हूं चार्ट्स पे और इसका प्रैक्टिकल यूज किस तरीके से करना है वो हम लोग समझते हैं और साथ ही साथ प्राइस एक्शन किस तरीके से इसे बीट करती है, फिर इसको ज्यादा इससे इफिशियंट है, इससे ज्यादा लो रिस्क की है, ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान से देखेंगे. ऑलराइट, तो मैंने सिंपली आप लोगों को निफ्टी के चार्ट पे लाया है. आपको क्या करना है, इंडिकेटर पे जाना है. इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको टेक्निकल पे क्लिक करना है और टेक्निकल पे यहाँ पे मैं सिंपली 3 EMA ये लिख देता हूं. तो सबसे पहले आता है 3 EMA, इस पे आप क्लिक करोगे सो आपको क्या मिलेगा, एक सेट ही मिलेगा 3 EMA का. वेल अभी इसका क्या है, मैंने मतलब ऑलरेडी सेटिंग सेट करके रखा हुआ है. आपके इसमें हो सकता है ये EMA 10, 50, 200 ऐसा कुछ रहेगा. तो यहां पे देखो मैंने ऑलरेडी इसका इनपुट को चेंज करके रखा हुआ था, मैं इसको रिसेट कर देता हूं. सो रिसेट करने के बाद में आपके यहां पे ये 3 EMA कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसके सेटिंग में आना है. सेटिंग में आने के बाद में यहां पे इनपुट पे आपको क्या करना है, जो हमारा इनपुट यहां पे 10 दिया हुआ है यहां पे सबसे पहला इनपुट कर देंगे हम लोग 4. यहां पे सोर्स में क्लोज ही रखेंगे. क्लोज मतलब क्या, कैंडल के क्लोजिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा हम लोग कैंडल क्लोजिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो यहां पे हमेशा सोर्स को नहीं छेड़ेंगे, क्लोज है तो उसको क्लोज ही एज इट इज रहने देंगे. फिर उसके बाद में लेंथ पे हम लोग यहां पे 9 सेट कर देंगे और यहां पे अगेन दूसरा वाला लेंथ जो है यहां पे 18 सेट कर देंगे. तो 4, 9 and 18 ये 3 EMAs हम लोगों ने सेट कर दिए. अभी स्टाइल पे आएंगे हम लोग और हमारा जो
देखो यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, लेकिन अभी उसको इनपुट कितना दे रहे हैं हम लोग, इनपुट 4 ईएमए का दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे, हमारा सबसे छोटा ईएमए ब्लू कलर के लाइन से मार्क करेंगे, उसके बाद में उससे थोड़ा बड़ा ईएमए दैट इज EMN9 उसे हम लोग येलो कलर की लाइन से मार्क कर देंगे, और उसके बाद में जो सबसे बड़ा ईएमए है हमारा दैट इज EMA18 उसे हम लोग व्हाइट कलर की लाइन से ही मार्क रखेंगे। सो इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ, इसको 100% पे लेके जाता हूँ, इसको भी मैं 100% पे लेके जाता हूँ, और इसे भी मैं 100% पे लेके जाता हूँ, और इसे मैं कर देता हूँ सेव एज डिफॉल्ट एंड इसको कर देता हूँ ओके। तो मैं जब भी चार्ट ओपन करूंगा 3 EMA को लगाऊंगा तो ये वाला EMA मेरे सामने आ जाएगा इस फॉर्मेशन में। सो अभी इस EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी को हम लोगों को कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना है? वेल, हम लोग अभी तक की इस पूरी सीरीज में ज्यादातर बातें इंट्राडे ट्रेडिंग के कर रहे थे और ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही सीखना चाहते हैं। सो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, इस स्ट्रेटेजी को मेनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यूज करना है, और ये बहुत अच्छा तरीके से काम करती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए मैं आप लोगों को सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, और वहां पे अब हम लोग देखते हैं कि कहां पे हमारे बाय सिग्नल जनरेट हुए, कहां पे हमारे सेल सिग्नल जनरेट हुए। ओके, सो ये है 5th of August 2022, एंड इस दिन का हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर के हिसाब से देखेंगे कि हमारा कहां बाय और या फिर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। ऑलराइट, सो इस पूरे चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा सबसे पहले जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ, हाँ देखो, ये देखो, ये वाला जो कैंडल है, ये वाले कैंडल पे हमारा एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। तो क्यों जनरेट हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे ये क्रॉसओवर हो चुका है, और जो मैंने तिरंगा पैटर्न बताया था, ये तिरंगा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वो एरिया है जहां पे ये तिरंगा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और इस तिरंगा पैटर्न के आसपास ये हमारी रेड कलर की कैंडल है। तो यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा जो सेल होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग अपना सेल को प्लान कर लेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हम लोग इस स्विंग के ऊपर में रखेंगे, और हम लोग अपना नीचे तक का टारगेट लेते हैं। सो 1:1.5 का पहला ट्रेड मिलता है हम लोगों को, और अभी देखते हैं कि बाय सिग्नल हम लोगों का यहाँ पे जनरेट हुआ है क्या। इस वाले पॉइंट पे क्रॉसओवर हुआ है लेकिन तिरंगा पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले कैंडल पे तो हमारा एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ पे क्रॉसओवर भी हुआ, क्रॉसओवर के पास में हमारा रेड कलर की कैंडल भी फॉर्म हुई। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा दूसरा यहाँ पे ट्रेड बनेगा। यहाँ हम लोगों ने सेल कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को रखा, और यहाँ पे हम लोग अपने नीचे का हम लोग अपना टारगेट को प्लान करते हैं। सो ये दिन था 5th of August। इस दिन हम लोगों को 2 ट्रेड मिले गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और ये दोनों के दोनों ट्रेड कुछ इस तरीके से थे। अब मैं क्या करता हूं, अब आप लोगों को ये जो 2 ट्रेड हम लोगों ने लेके रखे इसको एज इट इज रखेंगे। अब मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन पे बताता हूं कि अगर हम लोगों ने प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करी होती तो हमारी कहां पे एंट्री जनरेट होती और कैसे कैसे एंट्री जनरेट होती और कितना हम लोगों को टेक प्रॉफिट हमारा कहां पे होना चाहिए। सो अभी हम लोगों ने सिंपली EMS को बंद कर दिए, अभी हम लोग देखेंगे कि हमारी कहां कहां पे एंट्रीज हम लोग प्लान कर सकते हैं। सो अभी सबसे पहली देखने वाली बात यह है कि देखो हम लोगों ने जो भी हमने अभी तक की चार्ट पैटर्न को सीखा, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखा, ट्रेंड लाइंस को सीखा, उनका सबका यूज करके अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारी एंट्रीज कैसे कैसे प्लान हो सकती थी। तो वेल, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, आप लोगों को अभी देखने वाली बात यह है, यहाँ पे मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारी हो गई पहली तो एक सपोर्ट एरिया। ऑलराइट, और इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे सो आप लोगों को मुझे बताना है कि ये फॉर्मेशन कौन सा फॉर्मेशन है, आपको मुझे बताना है। अभी एक क्लियर कट हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, और अगर आप लोगों ने मेरी चार्ट पैटर्न की अगर क्लास को अटेंड किया होगा तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर फॉर्म हो रहा हो तो वहां पे आप 2 तरीके से ट्रेड को ले सकते हो। तो आपका पहला ट्रेड तो सिंपली यहीं पे बनता है। देखो ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये तो हो गया हमारा हेड, और ये जब ऊपर जाके यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनाने लगा, और वो भी कहां से, जहां से आपका लेफ्ट शोल्डर की हाइट है उसी हाइट के आसपास से, तो आपको वहां से ही अंदाजा लगा लेना है कि ये दिस कुड बी द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आपका सबसे पहला एंट्री तो यहीं पे बन जाता है, और यहाँ पे आपकी रिस्क बहुत छोटी हो जाएगी जब ये रेड कलर की कैंडल बनने लग गई। सो इस कैंडल पे ही आपका पहला ट्रेड हो जाता है। यहाँ पे आप सिंपली अपना स्टॉप लॉस को पुट कर लेंगे, क्योंकि ये दिस कुड बी द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और आपका पहला टारगेट आप हो सकता है नेकलाइन तक के लो। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो हम लोगों ने जो एडवांस चार्ट पैटर्न की हम लोगों ने स्टडी करी उसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से आपका तो ये पहला एंट्री सेटअप यही बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो
हेड की लेंथ थी, सेम वही से उसने रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। तो देखो अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पे हमारी एंट्री होगी, हमारी एंट्री तो इसी सेकंड रेड कलर के कैंडल में हो गई। अब यहां पे हम लोग एंट्री क्यों ले रहे हैं? वेल देखो यहां से हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन अगर होता भी है अरे तो जा क्या रहा है भाई चांस लेने में, क्योंकि यहां से अगर जाएगा तो देखो ना हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा है, रिस्क यहां पे छोटी है, इसलिए हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करके यहां पे हम लोग अपने सेल सिग्नल को कंसीडर कर रहे हैं। ऑलराइट, सो पहला ट्रेड तो ये हो गया। और अगर नेकलाइन भी ब्रेक करता है तो क्या देखा था हम लोगों ने? वेल 70% ऑफ द केसेस में हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक करता है सो आपका सेकंड ट्रेड यही पे प्लान होता है। ये देखो यहां पे ब्रेकडाउन, ये रिटेस्ट एंड अगेन ये नीचे जाना शुरू कर दिया, तो यहां पे हमारा सिंपली ट्रेड नंबर टू प्लान होता है, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और अब हम लोग यहां तक का टारगेट लेंगे। यहां तक का टारगेट क्यों लेंगे? वेल अगर प्राइस एक्शन आप सिंपल देखोगे, ये डे का लो था, इसी लेवल से मार्केट ने ये दूसरी बार यहां पे सपोर्ट लिया है, तो इसी लेवल से मार्केट दोबारा से सपोर्ट ले सकता है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंपली इस एरिया पे हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए। तो पहले ट्रेड में हम लोगों को क्या मिला? पहले ट्रेड में लगभग 1:1.5 के आसपास का ट्रेड मिला नेकलाइन तक का। दूसरे ट्रेड में हमको 1:2 का ट्रेड मिला। तो अब ये वाला जो एरिया है ये हमारा एक एरिया ऑफ वैल्यू वाला एरिया है। इस एरिया ऑफ वैल्यू पे अभी हम लोगों को प्राइस का एक्शन चेक करना है और हमारे उस हिसाब से हमारे एंट्रीज को प्लान करना है। तो यहाँ पे इस एरिया ऑफ वैल्यू पे हमारा क्या एक्शन प्लान हो रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है? वेल सिंपल, यहां पे मार्केट एक विक रिजेक्शन छोड़ता हुआ रेड कलर की कैंडल बनाया है, ये क्लियर कट शो करता है कि मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहां पे हमारा सेल सिग्नल हम लोग प्लान कर सकते हैं, कैंडल हाई के ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है और सिंपल या तो टारगेट हम लोग ये बॉटम तक का भी ले सकते हैं। और अगर उसने यहां पे इसको भी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, सो इस कैंडल ने इस बॉटम को ब्रेक कर लिया है, तो अब आप कहां तक का टारगेट ले सकते हो? ये स्विंग दिख रहा है आप लोगों को, ये प्रीवियस डे का जो ये स्विंग है, यहां तक का आप अपने टारगेट्स को प्लान कर सकते हो। सो अगेन यू गेट अ नाइस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2.5। सो यहां पे आपको 3 सक्सेसफुल ट्रेड्स मिलते हैं। तो अभी सिंपल हम लोगों ने क्या देखा था इससे पहले गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी में, इस दिन हम लोग कितने ट्रेड्स मिले? इस दिन हम लोगों को 2 ट्रेड मिले थे छोटे छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ, और यहां पे हम लोग कितने ट्रेड्स मिले? यहां पे हमको 3 ट्रेड्स मिले, वो भी बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में। सो दैट्स द एंड ऑफ द डे, यहां पे हम लोगों का डे क्लोज होना चाहिए, हम लोगों को 3 बहुत शानदार प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स मिले और हम लोगों ने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड भी किया। तो चलो इससे पहले वाले दिन देखते हैं, ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग डे था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग को चेक करेंगे। यहां पे लगा लेता हूं मैं EMA 4, 9 and 18। अब यहां पे सिंपल हम लोगों को कहां सेल करने के लिए बोल रहा है ये, सो हाँ यहां पे देखो यहां इस वाले कैंडल पे अगर आप देखोगे, इस वाले कैंडल पे इसने हम लोगों को सेल करने के लिए बोल दिया है। तो पहला ट्रेड तो हमारा यहीं पे बनता है क्योंकि तिरंगा पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे और क्रॉसओवर भी हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सेल कर देंगे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा और हम लोग एक अच्छा खासा बॉटम का ये टारगेट नंबर 1, मतलब देखो चलो टारगेट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले तो हम लोग ट्रेड्स प्लान कर लेते हैं कि EMA क्रॉस ने हम लोगों को कौन कौन से ट्रेड्स दिए हुए हैं। तो सिंपल अगर यहां तक के हम लोग लेते हैं तो ये EMA क्रॉस ने पहला ट्रेड दिया, दैट वाज अ सेल, नाइस प्रॉफिट दिया हम लोगों को इसने। और दूसरा अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो लॉन्ग साइड का कहीं पे जनरेट हो रहा है, एक बार देख लेंगे ध्यान से, बिल्कुल हो रहा है। ऑल राइट, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे तिरंगा, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है यहाँ पे तिरंगा फॉर्मेशन भी हो रहा है, क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ था, तिरंगा फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, तो यहाँ पे इसने हमारा बाय सिग्नल जनरेट किया। और अगर हम लोग यहां तक का टारगेट लेते हैं और स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे सिंपली ये इस कैंडल के लो के नीचे, ये इस कैंडल के लो के नीचे, तो यहां पे अगेन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके, तो क्या इसने अभी सेल सिग्नल भी दिया है, देख लेते एक बार, सेल सिग्नल दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है। ओके, यहां पे हम लोगों को दोबारा से सेल सिग्नल दिया है इसने, यहां इस कैंडल पे अगर आप ध्यान से देखोगे तिरंगा पैटर्न फॉर्म हुआ है, क्रॉसओवर भी हो चुका है, तो यहां पे हमारा सेल सिग्नल होगा, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, नीचे तक का हम लोग टारगेट लेते, अगेन दूसरी बार भी हमारा SL हिट हो चुका है, मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेड 2 बार SL हिट हो चुका है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे। अच्छा, अब दूसरा देखेंगे हम लोग, यहां पे बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये वाली कैंडल पे हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये तिरंगा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो चुका है और ये ग्रीन कलर का कैंडल भी है,
तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल बाय किया ऊपर तक का टारगेट, मतलब इस कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को मिल रहा है। तो अभी आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इस दिन क्या हुआ, हम लोगों को चार ट्रेड, चार सिग्नल जनरेट करके दिए गोल्डन क्रॉसओवर ने, लेकिन यहाँ पे इसने दो स्टॉप लॉस हिट किए हमारे और दो टारगेट दिए। वेल, दो हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे थे, टारगेट बड़े थे, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, अभी इसे कंपेयर करते हैं हमारे प्योर प्राइस एक्शन के साथ साथ। तो चलिए मैं सारे ड्रॉइंग्स को रिमूव कर लेता हूं, EMA क्रॉस को भी हम लोग इरेज कर लेंगे, अब ओनली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग पे सोचते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे चार्ट पैटर्न पढ़े हुए हैं और हम लोगों को ये पता है कि यहाँ पे पहले ही कैंडल में मार्केट ने एक विक रिजेक्शन देकर एक बेरिश हैमर कैंडल काइंड ऑफ बनाया है, मतलब क्लियर कट ये समझ में आता है कि भाई यहाँ पे एक क्लियर कट रिजेक्शन एरिया है। तो अब इतना मैंने ड्रॉ कर लिया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अब ये तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब क्या, ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है, और इस एरिया ऑफ वैल्यू पे ये प्राइस का एक्शन क्या बोल रहा है मुझे, ये सिंपल बेरिश इंगलफिंग, बेरिश मारुबुजु कैंडल है जो हम लोगों को सेल करने के लिए बोलिए, मतलब परफेक्ट एरिया ऑफ वैल्यू के ऊपर में एक परफेक्ट प्राइस का एक्शन बनाए, हाई एक्यूरेसी और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में हमारे यहां पे ट्रेडिंग होगी। तो हम लोगों ने सिंपली यहां पे सेल कर दिया, हमारा यहां पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और पहला टारगेट तो जी हम लोग यहां तक का ले सकते हैं, कहां तक का, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था ना यहां तक का, तो हम लोग पहला टारगेट बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखो तो हम लोगों ने ले लिया यहां तक के पहला टारगेट, अब दूसरा ट्रेड हमारा कहां पे प्लान हो रहा है, अगर मान के चलते हैं यहां पे देखो मार्केट ने हम लोगों ने पहला यहां पे ले लिया और सिंपल जब हमारा ये वाला स्विंग भी ब्रेक डाउन कर देता है तो अब हम लोगों को पता है, देखो मार्केट ने बिल्कुल मौका नहीं दिया और यहां पे हमारा सेकंड सेल सिग्नल जनरेट होता है, तो हमारा सेकंड सेल सिग्नल यहां पे होगा, स्टॉप लॉस हमारा यहां पे होगा और अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां तक का टारगेट बिल्कुल ले सकते हैं। कहां तक का टारगेट मैं बोल रहा हूं, देखो ये एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट 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 एरिया है, तो यहां तक का हमारा एग्जिट स्ट्रेटेजी होना चाहिए और यहां तक का हम लोग अपना टारगेट तो ले सकते हैं। तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग ने अभी तक के हमारा कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और हम लोगों को बहुत प्योर, नीट, क्लीन एंड सिंपल हम लोगों को एंट्री दी है। वेल, क्या होता है ना कई बार, मतलब इतने सिंपल स्ट्रेटेजीज लोगों को पचती नहीं है, बोलते ये जो सिखा रहा है ये सब ये पागल लोग है क्या। कूल ट्रेडिंग क्या होगी ना, कोई जो एक्सपर्ट होगा उसका जो चार्ट होगा ना वो कुछ इस तरीके से दिखता होगा, मतलब जब तक आप लोगों को ऐसा कोई चार्ट नहीं दिखेगा तब तक लगता नहीं कि आदमी ट्रेडिंग कर रहा है या बड़े कोई पैसे कमा रहा है। तो क्या होता है, ऐसे टाइप चार्ट दिखता है, लोगों को लगता है वाह यार जो पढ़ाने वाला है, जो सिखाने वाला है बहुत होशियार आदमी है, ये इसके पास में बहुत नॉलेज है, पक्का ये बहुत करोड़ों में खेलता होगा। लेकिन मेरे ऊपर में ट्रस्ट कीजिए, जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं और आप अपने ट्रेडिंग को जितना ज्यादा सिंपल रखोगे उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिटेबल रहोगे और उतना ही ज्यादा आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेट रहेगी। तो चलिए मैं वापस लेके चलता हूं अपने ट्रेडिंग चार्ट पे। सो अभी तक के हमारे दो ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके थे, नाउ लेट्स फाइंड कि और हम लोगों को कोई और दूसरा सेटअप मिलता है क्या। ओके, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों को एक और सेटअप मिलता है। अगर मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं यहां से कुछ इस तरीके से, और यहां पे ये हमारा रिजेक्शन एरिया को अगर मैं मार्क कर देता हूं, सो आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा पैटर्न मैंने ड्रॉ किया। एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ हम लोगों ने चार्ट पैटर्न भी पढ़ा और सिंपली आपको अभी ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये कंप्लीट एक असेंडिंग ट्रायंगल है। वेल, अब जो मैंने एडवांस चार्ट पैटर्न पढ़ाए थे उसमें मैंने ये भी पढ़ाया था कि असेंडिंग ट्रायंगल हमेशा ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है, लेकिन 30% ऑफ द केसेस में ये ब्रेकडाउन भी देता है। सो ये 30% वाली केस थी, आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बचा और यहां पे हम लोगों को ब्रेकडाउन मिल चुका है कंप्लीटली, तो हम लोग इस ब्रेकडाउन पे हमारा सेल प्लान करेंगे। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये भी बताया था कि जब भी 30% वाली केस हो तो आपको ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना चाहिए, आपको आपकी जितनी रिस्क है उसका सिर्फ 1:1.5 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेना चाहिए। सो देखते हैं कि हमें 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। तो आप अगर यहां पे ध्यान से देखोगे ये रिस्क इस कैंडल के ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो देखो यहां पे एग्जैक्टली 1:1.76% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है, मतलब हम लोगों का देखो। तो ये तो हो गया जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना चाहिए एडवांस चार्ट पैटर्न में। और दूसरा एग्जिट हमारा क्या कंफर्म है, यहां पे देख रहे हो मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, देखो यहां पे सपोर्ट लिया हुआ है, सो दूसरी बार भी यहां से सपोर्ट लेने का चांस है। तो अभी हम लोगों ने सिंपली यहां पे क्या कर लिया, हमारा दूसरा ट्रेड हम लोगों ने सक्सेसफुल यहां पे ले लिया है। अब क्या और कोई ट्रेड पॉसिबल हो सकता है, सिंपल आप मुझे बताना, अगर यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है और यहां पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये क्लियर कट हमारा एक डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन पे आपको कुछ प्राइस का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है क्या।
अगर आप यहां पे ध्यान दो इस वाले फॉर्मेशन पे, तो इस वाले फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? वेल, इस फॉर्मेशन को हम लोग ऑलरेडी 31 एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ चुके हैं, दैट इज अ ट्विजर बॉटम पैटर्न, क्योंकि दोनों का बॉटम सेम है और मार्केट सेम जगह से रिवर्सल होना शुरू किया, ग्रीन कलर की कैंडल बनाया है। तो यहां पे सिंपल हमारा दूसरा ट्रेड सेटअप होता है, वो दूसरा ट्रेड कौन सा रहेगा हमारा, यहां पे हमारी एंट्री प्लान होती है स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक के ऊपर में। पहला टारगेट तो हम लोग ये ऊपर का ही जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां तक के ले सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, इसको एक्सटेंड कर देता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने आपको मौका ही नहीं दिया और सीधा ही 5 मिनट की कैंडल ने ऊपर साइड में ब्रेकआउट कर दिया। तो अब सिंपल ये देखो यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो अब सिंपल यहां तक का अपने टारगेट को प्लान कर सकते हो। तो प्राइस एक्शन ने आज हम लोगों को सक्सेसफुली टोटल अगर मैं काउंट करूं, सो दिस इज अ ट्रेड नंबर 1, दिस इज अ ट्रेड नंबर 2, दिस इज अ ट्रेड नंबर 3 एंड दिस इज अ ट्रेड नंबर 4। चार ट्रेड दिए, एक में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और सारी की सारी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा सिंपल थी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन फॉर्मूले और कॉम्प्लिकेशन इंडिकेटर हम लोगों ने यूज नहीं किया। अभी तक के जो हम लोगों ने प्राइस एक्शन पढ़ा था बस उसी के बेस पे हम लोगों ने ये ट्रेडिंग करी। अगर आप लोगों ने मेरे सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से अगर अटेंड करी होगी तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ऑलराइट, सो ये तो चलो अभी मैंने आप लोगों को एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में साइडवेज मार्केट में भी करके दिखाऊंगा कि कैसा क्या कुछ हो सकता है। सो यहां पे देखेंगे हम लोग, चलो थोड़ा सा फास्ट लेते हैं, ईएमए को मैं चालू कर देता हूं और ईएमए शुरू होते ही हम लोगों को यहां पे एक सेल सिग्नल जनरेट होता हुआ मिल रहा है। तो यहां पे हमारा पहला देखो, यहां तिरंगा पैटर्न बना, यहां पे हमारा सेल प्लान होता है और यहां पे ये जी हाँ ठीक है, हम लोग यहां तक का टारगेट ले लेंगे, ये जो बॉटम बना हुआ है, ये जो बॉटम बना हुआ है यहां तक का हम लोग टारगेट लेंगे। तो उसने हम लोगों को पहला टारगेट दे दिया। ऑलराइट, सो गोल्डन क्रॉसओवर का यहां पे कितने पॉइंट्स मिले हम लोगों को, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, लगभग 68 पॉइंट का हम लोगों को टारगेट यहां पे मिलता है। अगेन हम लोगों को यहां पे बाय सिग्नल कहां पे जनरेट होता है, सो अगर आप देखोगे तो गोल्डन क्रॉस में यहां पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा हमारा। और यहां पे हम लोग अगर ऊपर तक का भी पूरा टारगेट लेते, ऊपर तक का तो नहीं ले पाएंगे, यहां तक का लेते हैं, ये फिजिबल रहेगा, यहां तक का टारगेट लेते हैं, इसको बढ़ा लेता हूं मैं। तो ये कितने पॉइंट का टारगेट है, दूसरा मिला हम लोगों को 100 पॉइंट का टारगेट। सो गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी बिगिनर के लिए बहुत अच्छा काम करी, दो ट्रेड्स मिले और अच्छे टारगेट्स भी मिले उसमें। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसे कंपेयर करेंगे हमारे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के साथ में। सो ईएमए को मैं क्लोज कर देता हूं, अब सिंपल हम लोग प्राइस एक्शन को स्पॉट करने का कोशिश करेंगे। अब आप लोगों को ये चार्ट देख के क्या समझ में आ रहा है, वेल इतना चार्ट देख के आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो ऊपर का मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखा है, यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहां पे भी रेजिस्टेंस लिया है ना, तो ये सिंपल क्या पैटर्न बना रहा है। अगर सिंपल मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया, फॉल किया, ऊपर आके रिजेक्शन ले रहा है, सो आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा फॉर्मेशन है। ये बेरिश सिंगल फिंग फॉर्मेशन है, ट्विजर टॉप फॉर्मेशन भी है और बेरिश मारुबोजू पैटर्न भी है। सो इस एरिया ऑफ वैल्यू पे आपको प्राइस का एक्शन देखने को मिल रहा है, सो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हमारा यही पे बनता है। तो हमारा पहला शॉट तो यही पे बनता है क्योंकि इस कंडीशन में हमारी रिस्क बहुत छोटी हो रही है और इस रिस्क छोटा होने पे हम लोगों को टारगेट कहां तक के मिल रहा है। वेल, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग में हम लोगों को यहां पे मिले 120 पॉइंट का टारगेट और ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग पे हम लोगों को मिला 68 पॉइंट का टारगेट। सो क्लियर कट यहां पे प्राइस एक्शन बीट कर रही है। ओके, अब दूसरा हम लोग देखेंगे, देखो यहां पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं तो ये हमारा सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया और यहां से मार्केट दोबारा से सपोर्ट ले रहा है। अब इस सपोर्ट एरिया पे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा फॉर्मेशन बना हुआ है यहां पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपली ये डबल बॉटम पैटर्न है, डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं लोग। मार्केट आया, बाउंस लिया, दोबारा से बाउंस लिया और ऊपर जाना शुरू किया। सो ये क्लियर कट एक डब्लू पैटर्न है और इस डब्लू पैटर्न के साथ साथ प्राइस एक्शन क्या कह रहा है यहां पे, ये सिंपल एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ बुल। तो यहां पे हमारा सिंपल एक लॉन्ग प्लान होता है, स्टॉप लॉस हमारा यहां पे रहेगा और पहला टारगेट तो मैंने आप लोगों को एडवांस चार्ट पैटर्न में बताया कि जो हमारी नेकलाइन रहेगी, ये हमारी नेकलाइन है, यहां तक कि हमारा टारगेट नंबर 1 रहेगा। तो नेकलाइन तो दिया, नेकलाइन को भी तुरंत उसने ब्रेक कर लिया। सो नेकलाइन ब्रेक होते ही अगर हम लोग देखें तो हमें मार्केट ने लगभग 150 पॉइंट का टारगेट दिया है। तो ईएमए क्रॉसओवर ने हम लोगों को 100 पॉइंट का ट्रेड दिया था यहां पे और यहां पे इसने हमको 150 पॉइंट का ट्रेड दिया। सिंपल प्राइस एक्शन बेस हम लोगों ने ट्रेडिंग किया और कुछ इस तरीके से हमारे सामने रिजल्ट्स है।
ऑल राइट, सो अभी तो ये ट्रेंडिंग डेज थे, एक काम करता हूं मैं आप लोगों को साइडवेज डेज में लेके चलता हूं कि साइडवेज डेज में ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करेगी, कितना एफिशिएंसी है और प्राइस एक्शन हमारा किस तरीके से काम कर सकता है। ऑल राइट, तो मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों को 17th of June 2022 के टाइम पे, जहां पे दो दिन मार्केट लगातार साइडवेज रेंज में था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईएमए स्ट्रेटेजी को टेस्ट करेंगे कि कहां पे हमारा बाय प्लान हो रहा है। ऑल राइट, ओके ओके, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तिरंगा कहीं पे बन रहा है या फिर क्रॉसवर में, हाँ बिल्कुल बन रहा है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है, सबसे पहला इस वाले कैंडल पे सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तिरंगा बन चुका है। स्टॉप लॉस हमारा हम लोग रखेंगे यहाँ पे और हम लोग अपना, हाँ ठीक है ओके। सो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को 1:1 भी नहीं मिला है ढंग का, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही गंदा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे लगभग हम लोगों को मिला 1:1 का भी नहीं मिला, उससे भी छोटा मिला ना रिस्क जितना था हमारा। चलो स्टॉप लॉस को अगर छोटा भी कर दे हम लोग, मान इस रिस्क नहीं, इस कैंडल तक ही रखना पड़ेगा तो भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक ट्रेड मिला हम लोगों को और दूसरा ट्रेड क्या मिला यहाँ पे, ओके यहाँ पे दूसरा ट्रेड होता है हमारा, कहाँ पे बना है, तिरंगा क्रॉसओवर के साथ में इस वाले कैंडल पे। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है हमारा, यहां तक कि हम लोग टारगेट रखें, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सो एक ट्रेड मिला, उसका भी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं था, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन दूसरा ट्रेड यहाँ पे बना हमारा, इस वाले कैंडल पे तिरंगा बना है और हम लोगों ने स्टॉप लॉस को रखा इस कैंडल के नीचे और अगेन 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। मतलब एक 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला और एक 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला और एक स्टॉप लॉस कट गया। अब इस दिन देखते हैं अगर हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते तो क्या हो सकता था। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ईएमए को हम लोग इरेज कर देंगे। अब मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि ये हमारा एक रिजेक्शन एरिया है, मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है ना, और दूसरा यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो मैं अपना एक सपोर्ट एरिया को भी एक प्लॉट कर देता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने अभी तक के ये इतना मार्क कर लिया। अब इसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या हम लोगों को चार्ट बोल रहा है, और इस चार्ट पे अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो क्या आप इस चीज को प्लॉट कर पा रहे हो क्या। सिंपली अगर मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं इस तरीके से और यहां पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है जो हम लोगों ने ऑलरेडी एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ा हुआ है। तो यहां पे हमारा सेल सिग्नल ऑलरेडी यहां पे जनरेट हो चुका है और यहां पे देखो हमारी रिस्क बहुत छोटी हो चुकी है। तो हम लोगों ने पहला टारगेट अभी यहां तक के लिया, देखो यहां तक के आप ले पाए तो बहुत अच्छी बात है। वेल अगर यहां पे भी ऐसा कोई लॉजिक बना नहीं है एग्जिट करने का, देखा जाए तो यहां तक का टारगेट होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे सो आपका स्टॉप लॉस देखो कितने समय तक के वो आपके प्रॉफिट एरिया में चल रहा था। तो इसमें एक टर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रेलिंग स्टॉप हिट होना। ऑलराइट, या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो जाएगा या तो आप अगर मान के चलते आप लकी निकले तो जैसे हम लोगों ने एमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी में लिया था कि हम लोग यहां तक का भी टारगेट लेते तो इस कंडीशन में हमारे रिस्क के हिसाब से इसने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये तो हुआ हमारा ट्रेड नंबर वन। ऑलराइट, अगर आप यहां पे बुक कर पाए तो लकी हो क्योंकि यहां पे ये कंसोलिडेशन हो रहा है ना, मतलब तो दिक्कत है, तो नहीं तो फिर यहां पे तो आपको एग्जिट कर ही लेना चाहिए। ये कंसोलिडेशन हुआ, ये ग्रीन कलर की कैंडल बन गई ये वाली कैंडल, तो यहां पे तो एग्जिट कर ही लेना चाहिए, दैट्स अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। ऑलराइट, सो उसके बावजूद भी अभी और देखेंगे हम लोग कि और अब इतना देखते ही मुझे और क्या समझ में आ रहा है। देखो एक और मैं सिंपल प्लॉट कर सकता हूं कि मार्केट ने एक सिंपल यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है इस दिन पे। ऑलराइट, और इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर देंगे, एडजस्ट करेंगे, ये हमारा हो गया एक सपोर्ट एरिया। ऑलराइट, अब ये तो हम लोगों ने प्लॉट कर लिया हमारा सपोर्ट एरिया, हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मार्केट जी यहाँ पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे कर रहा है। सो ये चार्ट देखते आप लोगों को यदि एक बात और समझ में आ रही होगी, एडवांस चार्ट पैटर्न में मैंने आप लोगों को एक ब्रॉडनिंग पैटर्न पढ़ाया था, तो अगर आप इस पैटर्न को देखो तो आपको क्या प्लॉट कर लेना चाहिए, मार्केट आया सपोर्ट लिया, देखो ध्यान से देखना है आप लोगों को, मार्केट आता है इस पॉइंट से सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाके रिजेक्शन लिया फिर ऊपर गया या यहां तक के नहीं है चलो ठीक है फिर ऊपर गया सपोर्ट लिया। मतलब ये तीन जब हम लोगों को ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, हम लोगों ने एक ब्रॉडनिंग पैटर्न को ड्रॉ कर लिया, तो आपको देखना है कि सपोर्ट एरिया पे अब दोबारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। सो इस सपोर्ट एरिया पे जब इसने ये ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है तो यहां पे हम लोग अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहां पे हमारा रिस्क बहुत छोटा होते आ रहा है, तो रिस्क बहुत छोटा रहेगा हमारा और हम लोग अपना ये ऊपर तक का टारगेट को प्लान कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने एडवांस
चार्ट पैटर्न में ये ब्रॉडनिंग पैटर्न को पढ़ा था, तो इस हिसाब से हमारा ये दूसरा ट्रेड प्लान हुआ और यहाँ पे हम लोगों को क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, यहाँ पे 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। सो ये सिंपल, इस दिन हम लोगों को कितने ट्रेड मिले, 2 ट्रेड मिले, नॉट इवन अ सिंगल स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट स्ट्रेटेजी भी हमारा प्राइस एक्शन ने बता दिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट करना ही है। तो देखो कंफर्मेशन एंड ड्यूअल था, एक तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया और ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस एरिया ब्रॉडनिंग पैटर्न का, सो दोनों चीजों ने बोली कि यहाँ पे हम लोगों को अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। ऑल राइट, सो इस तरीके से 2 सक्सेसफुल ट्रेड मिले, प्राइस एक्शन जिंदाबाद। ऑल राइट, सो अभी इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और अभी हम लोग जाते हैं दूसरे दिन, आते इस वाले डे पे, ये लास्ट हम लोग इसको प्लान करेंगे, देन आप लोगों को खुद से इसको बैक टेस्ट करना है दोनों चीजों को जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई है। तो अभी दूसरे दिन चलते हैं, मैं EMA लगा लेता हूँ और EMA बेस देखते हैं हम लोगों को कहाँ कहाँ पे एंट्री मिली। तो EMA बेस हम लोगों को सबसे पहले देखो यहां एंट्री मिलती है, इस कैंडल पे हम लोगों को एंट्री मिली, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस और यहां तक का हम लोगों ने टारगेट ले लिया, 1:1.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया हम लोगों को। पहला सेल सिग्नल कहां पे जनरेट हुआ, यहां पे सेल सिग्नल, ये यहां पे तिरंगा बना हुआ है, यहां पे हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ, स्टॉप लॉस हम लोगों ने यहां तक के रखा, टारगेट हम लोगों ने यहां पे ले, यहां पे भी 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को मिलता है। तो ट्रेड नंबर 2 साइडवेज में भी ठीक ठाक काम कर रहा है मार्केट, वोलेटाइल है इसीलिए। सो ट्रेड नंबर 3 हम लोगों को यहाँ पे कुछ मिलता है यहाँ पे, सो स्टॉप लॉस हमारा यार बहुत बड़ा हो जाएगा और 1:1 से भी घटिया रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, मतलब इसको तो इग्नोर ही करना चाहिए क्योंकि 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बन रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत ही बेकार रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिले हम लोगों को। तो चलो मैं अभी डायरेक्टली आप लोगों को लेके चलता हूँ, इसको क्लीन कर देंगे और हम लोग इसको बंद कर देंगे, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग को हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले अपनी प्राइस एक्शन को प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये तो था हमारा सपोर्ट एरिया प्रीवियस डे के हिसाब से और ये तो था हमारा रिजेक्शन एरिया और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक सपोर्ट एरिया को ड्रॉ किए थे, एक वैलिड सपोर्ट एरिया। देखो देखना है आपको यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। ऑलराइट, सो अभी इस दिन हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं किया है, अभी हम लोगों को इस दिन पे ट्रेड प्लान करना है। सो कैसी रहेगी प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग हमारी इस दिन पे, चलो उसको प्लान करते हैं। तो अभी ये दिन शुरू हुआ, ओके, मार्केट एक रिजेक्शन एरिया के आसपास से शुरू हुआ और यहाँ पे पहली कैंडल इसने रेड ले ली, तो यहाँ पे हम लोगों को सेल प्लान करना चाहिए क्या? देखो अगर चाहे तो कोई तो कर सकता है लेकिन उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस ट्रेड को हम लोग इग्नोर करेंगे, इस ट्रेड को हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरिया जहां से मार्केट ने इस दिन में सपोर्ट लिया था, ये एरिया हमारा कैसा एरिया है, सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है? वेल, यहाँ पे इसने क्लियर एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया हुआ है जो एक बुलिश रिवर्सल का साइन हो सकता है। तो सिंपली हम लोग इस प्राइस एक्शन पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली, क्यों चांस लिया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे रिस्क हमारा बहुत छोटा जा रहा है, तो रिस्क बहुत छोटा है हमारा और हम लोगों ने क्या कर लिया, अच्छा खासा एक अपर साइड का हम लोगों ने टारगेट लिया। तो सिंपल प्राइस एक्शन ने हम लोगों को पहला ही ट्रेड दे दिया 1:3.8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। सो अभी दूसरा कोई ट्रेड यहाँ पे बन रहा है क्या? अच्छा देखो, अगर आप देखो तो पूरा डे हाई तक का भी आप टारगेट को प्लान कर सकते हो वैसे देखो तो, है ना, मतलब जो ये वाला जो एक मार्केट ने दिन में रेजिस्टेंस लिया है यहां तक का भी आप ट्रेड ले सकते हो। सो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये 1:4.8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। लेकिन चलो किसी रीजन से आप यहां तक के नहीं भी ले पाओ तो भी एक कंफर्मेशन और होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, और वो कंफर्मेशन क्या है मैं सिंपल आपको बता देता हूं। देखो इस लाइन को आपको प्लॉट करनी है और ये हमारा एक रिजेक्शन एरिया है, तो ये आपको कौन सा फॉर्मेशन दिख रहा है? वेल, ये अगेन एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है और इस असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्मेशन में हम लोग कहां पे एंट्री लेते हैं? अपर साइड में। 70% ऑफ द टाइम ये अपर साइड में ब्रेकआउट देता है। यहां पे हम लोगों ने अपना एंट्री प्लान किया, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहा इस कैंडल के नीचे और यहां पे हमारा ट्रेड लिया। तो यहां पे दो तरीके के ट्रेडर रहेंगे, या तो आप डायरेक्टली यहां से पूरा ऊपर तक का टारगेट को प्लान कर सकते हो और यहां पे अगर आप पूरा नहीं ले पाए तो अगेन आपके ट्रेडिंग में कंफर्मेशन ऐड हो रहा है कि यहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल, इसको मैं छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से देख पाओ, है ना, इसको मैं यहां तक के रख लेता हूं। तो देखो यहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, इसका अपर साइड में ब्रेकआउट मिला हमको और ऊपर तक का टारगेट, ये दो ट्रेड हम लोगों को मिल चुके हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। और यहां पे देखने वाली बात क्या है, अब यहां पे देखो यहां पे मार्केट ने क्या किया है, रिजेक्शन, तो ये हम लोगों ने एक लाइन को प्लॉट करके रखा। नाउ दिस इज अवर एरिया ऑफ वैल्यू और इस एरिया ऑफ वैल्यू पे आप लोगों को सिंपली ये देखना है कि प्राइस का क्या एक्शन बन रहा है। अब आप लोगों को मुझे बताना है ये इतने एरिया में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। वेल, अगर आप देखोगे पहला ग्रीन कैंडल, दो रेड कलर की डोजी,
विक रिजेक्शन के साथ में क्लियर कट ये शो कर रही है कि मार्केट को यहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, और ये बड़ी जो रेड कलर की कैंडल बनी ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल थी। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप यहां पे बनता है हमारा। सिंपल हम लोग यहां पे शॉर्ट सेलिंग का प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर में रखेंगे, और अब हम लोग अपना एग्जिट कहां प्लान कर सकते हैं। देखो यहां पे सपोर्ट एरिया, यहां पे सपोर्ट एरिया है ना, ये एक डिमांड जोन था हमारा, यहां पे सपोर्ट एरिया, यहां पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो हम लोग सिंपली इस बार क्या कर सकते हैं, इस बार हम लोग अपना यहां तक का टारगेट को प्लान कर सकते हैं, इसको बढ़ा देंगे अपन। सो एग्जैक्टली डॉट टू डॉट एग्जैक्टली हम लोगों को यहां पे ट्रेड मिला हुआ है। सो इस दिन में भी हमारा नॉट इवन अ सिंगल स्टॉप लॉस, लॉजिक ही नहीं बनता भाई स्टॉप लॉस हिट होने का, और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हम लोगों को मिल चुके हैं क्लियर कट। वेल देखो प्राइस एक्शन में भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, मतलब क्या, यहां पे हम लोगों ने जो बाय सिग्नल जनरेट किया है ये ऐसा नीचे भी जा सकता था, हमारा स्टॉप लॉस भी खा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने यहां पे बाय प्लान किया। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हमारी रिस्क बहुत छोटी हो रही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर हो रहा है, तो हमारा ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी जाएगा। और ऐसे देखो स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, हर चीज के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, तो हमने ऐसे ही प्रोबेबिलिटी को कंसीडर किया जहां पे हमारे विन रेट ज्यादा होने के चांसेस हैं और हमारी रिस्क सबसे छोटी है और रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो रहा है। सो ऐसे ही जगह पे हम लोगों ने अपने ट्रेड्स को प्लान किया, और कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन धमाकेदार तरीके से बीट कर देती है। बट आप लोगों को मेरा विश्वास करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आप लोगों को प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग बताई, वेल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आप जब तक खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूं, टीच कर सकता हूं, बाकी जो भी मेहनत करनी है वो आपको ही करना है। जैसे सचिन तेंदुलकर का गुरु था आचरेकर, उसने उसको सारे टेक्निक पढ़ाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो दिन रात की मेहनत थी वो सचिन तेंदुलकर की थी, और आपकी लाइफ के सचिन तेंदुलकर खुद हो। आप जब तक अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यू ऐड हुई होगी, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर मैं आप लोगों को ये बातें जो आप बता रहे हो आप लोग इस क्लास को अटेंड नहीं करते, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, अगर आप स्टॉक मार्केट में गिव अप नहीं करते, बने रहते हैं, तो आज नहीं तो कल आप इस चीज को खुद से एक्सपीरियंस कर लेते, खुद से इस बात को फाइंड आउट कर लेते। लेकिन हो सकता था कि खुद के एक्सपीरियंस से सीखते सीखते आपको 2 साल लग जाते। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आज की इस क्लास को अटेंड करके अपने लाइफ के वो 2 साल को बचा लिया है। अब इस 2 साल में आप और भी बेहतर कुछ कर सकते हो और भी अपनी तेजी से प्रोग्रेस कर सकते हो। सो दिस इज राम करडे, यू आर ऑन निंजा ट्रेडिंग। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों के साथ में निंजा ट्रेडिंग की अगली हमारी क्लास में। तब तक के स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद निंजा ट्रेडिंग।